चलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मनी एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि मनी होता क्या है। किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो उससे पहले हमें देखना पड़ता है कि उससे पहले क्या प्रॉब्लम्स थी, जिन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो है नई चीज़ की शुरुआत हुई है। तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। मनी जो है ये कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो पहले भी यूज होता था। मनी से पहले जो है बार्टर सिस्टम यूज होता था, जिसे हम कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं या फिर सी टू सी इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं। सो अगर आपके वन मार्क्स क्वेश्चन में आए कि व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम, तो आप लिख सकते हैं कि बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। अब पहले जब बार्टर सिस्टम होता था, आपने हो सकता है गांव में देखा भी हो कि जनरली क्या होता है, दुकानदार के पास हम गेहूं ले जाते हैं और गेहूं के बदले कुछ सामान ले लेते हैं। सो यही बार्टर सिस्टम होता है, जिसमें एक गुड्स देके उसके बदले में दूसरा गुड्स परचेज करते थे। इसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के नाम से जानते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के नाम से जानते हैं। ये बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन थी और इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया गया था। अब इसका क्या मतलब होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का? इसका मतलब ये होता है कि जैसा कि आपको पता है बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होते थे, तो उस चीज के लिए डबल कोइंसिडेंस होने की जरूरत थी। कोइंसिडेंस का मतलब होता है भाई कुछ चीज इत्तेफाक में हो जाए, जैसे हम कुछ सोच रहे हो और वो एज इट इज ही हो जाए, है ना। जैसे आपकी क्लासेस लगती हैं और कई बार आप सोचते हैं कि भाई सर अभी क्लास में आके हमें ये कह दे कि आज तो गेम का पीरियड ले लो, और कुदरतन ऐसा हो जाए कि मेरी क्लास है और रात ही मैं ये कह दूं कि आप लोग पढ़ पढ़ के बोर हो गए, चलो आपको गेम में ले चलो, तो ये क्या है? कोइंसिडेंस है। कई बार आपका मन करता है सुबह उठ के कि भाई आज स्कूल की छुट्टी हो जाती तो ठीक हो जाता, और उसी दिन सुबह मैसेज आ जाए कि आपको छुट्टी है स्कूल की। सो ये कोइंसिडेंस है। अब यहाँ पे कोइंसिडेंस होना चाहिए, और कोइंसिडेंस में कैसा डबल कोइंसिडेंस। अब डबल कोइंसिडेंस कैसे है? क्योंकि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, तो यहाँ पे दो व्यक्तियों की जरूरत है। यहाँ पे दो व्यक्तियों की जरूरत है। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है। अब मान लो ए के पास वीट है देने के लिए और इसे राइस चाहिए, इसे राइस चाहिए। तो अब इसे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिससे ये राइस खरीद सके, और राइस खरीदने के बदले में इसे वीट देना पड़े। यानी कि इसे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है, जैसे कि बी है, बी के पास राइस है देने के लिए, लेकिन ये राइस तभी तो देगा जब इसको ऐसे गुड्स मिलेंगे जिसकी इसको जरूरत है। अब यहाँ पे मान लो इसको वीट की जरूरत हो, तब ये डबल कोइंसिडेंस होगा। डबल कोइंसिडेंस कैसे होगा कि भाई ए को ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसे ये वीट दे सके, तो इसने ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया जिसे वीट दे दिया, ये तो हो गया सिंगल कोइंसिडेंस। लेकिन इसे एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए था जिससे ये राइस ले सके, सो ये डबल कोइंसिडेंस है, ठीक है। अब ये कितनी बार पॉसिबल है कि ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको ऐसे गुड्स की जरूरत हो जो हमारे पास अवेलेबल हो, और ऐसा गुड्स दे दे जिसकी हमें जरूरत हो? ऐसा बहुत मुश्किल होता है। सो बेसिकली पहले के टाइम पे कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है सेल एंड परचेज। एक्सचेंज का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सेल एंड परचेज इज नोन एज एक्सचेंज। सेल एंड परचेज को कंप्लीट करने के लिए बीच में कोई माध्यम नहीं था, यानी कि पहले सेल्स एंड परचेज दोनों एक्टिविटीज साथ में होती थी। जैसे कि आप यहाँ पे इस एग्जांपल पे दे सकते हैं, एक हाथ से सेल्स की एक हाथ से परचेज की। इस समस्या को दूर करने के लिए मनी का इन्वेंशन किया गया। अब मनी जो है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है, यानी अब वो सेल्स और परचेज के बीच में एक माध्यम, एक इंटरमीडिएटरी के तौर पे काम कर रहा है।
अब हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं है जिससे हम गुड्स एक्सचेंज कर सके। मान लो मुझे कोई सामान बेचना है, तो मैं से तो ऐसा व्यक्ति ढूंढूंगा जिसे मेरा सामान खरीदना है, उसके बदले में मुझे मनी मिल जाएगा, उस मनी के इस्तेमाल से मैं कहीं पे भी जाके परचेज कर सकता हूँ। यानी एक्सचेंज के प्रोसेस को आसान बना दिया किसने, मनी ने। कैसे बना दिया? क्योंकि अब मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। एक्सचेंज मतलब सेल एंड परचेज के माध्यम के तौर पे काम करता है मनी। सो स्टार्टिंग में आपको इसी के बारे में बताया गया है कि मनी की शुरुआत कैसे हुई, बार्टर सिस्टम को दूर करने के लिए। बार्टर सिस्टम में ऐसी क्या कमी थी? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट की कमी थी, जिसके कारण मनी का इन्वेंशन शुरू हुआ है। अब मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज नोन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या सेल्स एंड परचेज की एक्टिविटीज एक साथ होनी जरूरी है आज के समय में? नहीं, आज के समय में जरूरी नहीं है। बार्टर सिस्टम में दोनों चीजें एक साथ होनी जरूरी थी क्योंकि कोई मीडियम नहीं था। अब एक टाइम पे परचेज की जा सकती है, एक टाइम पे सेल्स की जा सकती है। नेक्स्ट है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी की फॉर्म्स चेंज होती गई है, जैसे कि पहले बार्टर सिस्टम के तौर पे गुड्स एक्सचेंज होते थे, उसके बाद राजा महाराजाओं के टाइम पे एलॉय कॉइन्स यानी कि गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर का कॉइन, इस किस्म के कॉइन्स चलते थे। मेटेलिक कॉइन्स बोल सकते हैं ना, एलॉय कॉइन्स बोल सकते हैं हम। अब लेटेस्ट फॉर्म में मेनली दो फॉर्म्स है मनी के, एक है करेंसी, एक है डिपॉजिट विद बैंक। करेंसीज में दो तीन चीजें आती हैं। जैसे हम बात करें करेंसीज में हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास कॉइन्स होते हैं, हमारे पास पेपर नोट होते हैं। सो मेनली करेंसी में दो चीजें इंक्लूड होती है, पेपर नोट एंड कॉइन्स। नोट्स रखते हैं या सिक्के रखते हैं, डिपॉजिट विद बैंक्स को हम देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बिल्कुल ही मॉडर्न टाइम पे बात करना चाहें तो आजकल प्लास्टिक मनी का भी चलन है। प्लास्टिक मनी का मतलब होता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनसे भी तो हम पेमेंट कर सकते हैं, उन्हें प्लास्टिक मनी कहते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में दो फॉर्म्स ऑफ मनी बताए हैं, करेंसी एंड डिपॉजिट विद बैंक। सो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आप बता सकते हैं ये है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई मनी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो इसके दो तीन रीजन है। पहली बात तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज होता है? क्योंकि इसने एक्सचेंज के प्रोसेस को आसान बना दिया। एक्सेप्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है, ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब लीगल करेंसी है। अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं कैश में या कॉइन्स में, तो कोई भी उस चीज को मना नहीं कर सकता। सो व्हाई करेंसी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब क्वेश्चन कुछ ये बन सकते हैं कि करेंसीज को इश्यू कौन करता है? सो जितने भी पेपर नोट्स होते हैं, 1 रुपीज नोट को छोड़ के, 1 रुपए का नोट को छोड़ के जितने भी नोट होते हैं, वो सारे के सारे आरबीआई इशू करता है। आरबीआई सेंट्रल इशूइंग अथॉरिटी है, आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है आरबीआई को और आरबीआई इशू करता है 1 रुपए का नोट को छोड़ के और जितने भी नोट होते हैं। इसके अलावा जितने भी सिक्के हैं, कॉइन्स है और 1 रुपी का पेपर नोट, ये इशू करती है फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इशू करते हैं। सो ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी पेपर नोट्स है, एक्सेप्ट 1 रुपी पेपर नोट आर इशूड बाय आरबीआई एंड ऑल द कॉइन्स एंड 1 रुपी पेपर नोट इज इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका डिपॉजिट्स विद बैंक। अब हम आम लाइफ में अगर हम देखें तो क्या हम सारा पैसा अपने पास ही रखते हैं, अपनी जेब में रखते हैं, अपने घर पे रखते हैं? हम कुछ पैसा डिपॉजिट कर देते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर आपको पता है अनसर्टेन है, फ्यूचर का हमें पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचा के रख लेते हैं। जैसे कि जनरली हम बैंक्स में पैसा बचा के रखते हैं, तो बैंक्स में जो पैसा बचा के रखते हैं, बैंक्स में जो पैसा रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूज, दीज आर नोन एज डिपॉजिट with the bank. So the money people hold with the bank in the form of deposit is known as deposits with the bank. दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं,
एक होता है डिमांड डिपॉजिट, ये यहां पे लिखा हुआ है आपका डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, TERM, टर्म डिपॉजिट या फिर इसे टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। दोनों का मतलब बता देता हूं मैं, दोनों का डिफरेंस बता देता हूं। बेसिक डिपॉजिट का मतलब आपको पता चल गया, जो भी बैंक में पैसा जमा करवाया है वो। अब बैंक में हम जो भी पैसा जमा करवाते हैं वो दो टाइप से करवा सकते हैं, बैंक में हम जो भी पैसा जमा करवाते हैं वो दो टाइप से करवाते हैं। अगर आप कभी बैंक में गए होंगे तो जनरली बैंक में जाते तो वो पूछते हैं कि भाई आपको FD करवानी है या फिर सेविंग अकाउंट में पैसा करवाना है, यानी दो टाइप से होता है, एक तो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में पैसा होता है, एक हम फिक्स्ड डिपॉजिट करवा लेते हैं। सो डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जिन्हें जो पैसा जमा करवाने वाला है वो जब चाहे तब जाके बैंक से विड्रॉ करवा सकता है। टर्म डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जो फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होते हैं और उन्हें हम अपनी मर्जी पे जाके विड्रॉ नहीं करवा सकते। सो द डिपॉजिट्स इन द बैंक विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, डिमांड पे विड्रॉ करवाए जा सके एंड विच आर नॉट फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट्स विच आर फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड एंड कैन नॉट बी विड्रॉन एज पर ऑन डिमांड आर नोन एज टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट की एग्जांपल्स हो सकती हैं सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। टाइम डिपॉजिट की एग्जांपल होती है FD, फिक्स्ड डिपॉजिट। मान लीजिए मेरे बैंक में मैंने दो अकाउंट खुलवा रखे हैं, एक तो सेविंग अकाउंट है एक FD है। सेविंग में 10,000 रुपये हैं, FD में 50,000 रुपये। अब अगर मुझे पैसे की जरूरत होगी तो मैं जाके FD को नहीं विड्रॉ करवा सकता। FD अगर मेरी एक साल की है तो वो एक साल के लिए ही है, हालांकि कुछ कंडीशंस में मैं टाइम से पहले उसे कह देते हैं ना कि FD तुड़वा ली, टाइम से पहले उसे तुड़वा सकता हूँ लेकिन उसमें पेनल्टी लगती है। लेकिन मैं सेविंग अकाउंट में जब चाहूँ तब जाके पैसा निकाल सकता हूँ। सो ये दो मेन डिफरेंस है। डिमांड डिपॉजिट को चेकेबल डिपॉजिट भी कहा जाता है, चेकेबल डिपॉजिट, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट चेक इशू किया जा सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट चेक इशू नहीं किया जा सकता। अब इसका क्या मतलब है उसके लिए पहले हम चेक समझते हैं क्या होता है। चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। चेक एक कागज ही होता है, बेसिकली एक पेपर का टुकड़ा है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, बैंक को ऑर्डर करता है। क्या ऑर्डर करता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करना है। कहां से पे करना है? फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट, जो आदमी चेक काट के दे रहा है उसके अकाउंट में से पैसा निकाल के देना है। किसको देना है? टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड, जिसके नाम से चेक काट के दिया है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, पे प्रेम कुमार। तो चेक क्या है? कागज का टुकड़ा है, ये कागज ही तो है जिसमें बैंक को ऑर्डर दे दिया कि भाई प्रेम कुमार नाम का व्यक्ति है उसे 57,000 रुपीज निकाल के दो। कहां से निकाल के दो? जिसका चेक है, मोहम्मद सलीम का चेक है, तो इस मोहम्मद सलीम के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के दिया जाएगा। सो चेकेबल डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि देखो एक चेक भी जरिया होता है। अगर बैंक में जो पैसा जमा है तो वो पैसा निकालने के लिए चेक का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो चेक की फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाता है। इसका मतलब अगर मैं बैंक में से पैसा निकालना चाहता हूँ, मेरे पास दो अकाउंट है, या तो डिमांड डिपॉजिट है या मेरे पास फिक्स्ड डिपॉजिट है जिसे टाइम डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। अब मान लो मुझे 20,000 रुपये निकालने हैं और मैं एक चेक काट के दे दूँ 20,000 का कि भाई 20,000 रुपये मेरे खाते से निकाल के दे दो, तो ये 20,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट में से निकाल के दिए जा सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में से निकाल के नहीं दिए जा सकते। इसका मतलब मैं जब भी चेक काट के दूंगा तो मैं चेक में सिर्फ और सिर्फ वही अकाउंट से पैसे निकाल सकता हूं जो मेरे डिमांड डिपॉजिट है। एफडी के अगेंस्ट कभी भी चेक इशू नहीं किया जा सकता, इसलिए डिमांड डिपॉजिट का दूसरा नाम होता है चेकेबल डिपॉजिट और एफडी या टर्म डिपॉजिट का दूसरा नाम होता है नॉन चेकेबल डिपॉजिट।
ठीक है, ये सारे के सारे आपके मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। पहले बैंक का मतलब समझ लीजिए, बैंक क्या है। बैंक एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था है जो कि कमर्शियल इन नेचर है। कमर्शियल का मतलब पैसे में लेन देन करती है, ठीक है। तो बैंक एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, जो लोगों से पैसा जमा करवाती है। इट इज अ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन विच डिपॉजिट मनी फ्रॉम द पीपल, और क्या करती है, जिनको पैसे की जरूरत होती है उन्हें पैसा लोन के रूप में देती भी है, एंड प्रोवाइड मनी टू द पीपल हु आर इन नीड। सो बेसिकली बैंक एक मीडियम का काम करता है, किसके बीच में, उन लोगों के बीच में जिनके पास सरप्लस फंड है और उन लोगों के बीच में जिनको पैसे की जरूरत है, नीडी पीपल के बीच में। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, तो सरप्लस फंड मतलब जो पैसा एक्स्ट्रा है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैसे की जरूरत होती है, इनके बीच में मीडियम का काम करता है बैंक। कैसे काम करता है कि जिन्हें तो जिनके पास सरप्लस फंड है वो बैंक में डिपॉजिट्स करवाते हैं, पैसा जमा करवाते हैं। अब बैंक क्या करता है, बैंक पैसा जमा करता है, उसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। भाई 100 रुपए जमा करवाए तो उसके बदले में 10 रुपए 15 रुपए का ब्याज चुकाएगा। लेकिन क्योंकि बैंक एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट है, बैंक का मेन काम पैसा कमाना है, तो पैसा कहां से कमाएगी बैंक। कोई भी बैंक होता है उसे ये पता होता है कि मेरे पास जितना भी पैसा जमा है सारे लोग एकदम पैसा निकालने नहीं आएंगे। अगर बैंक में 10 लोगों ने पैसा जमा करवाया है तो 10 के 10 लोग एकदम पैसा निकालने नहीं आते। सो बैंक क्या करता है, तो बैंक क्या करता है कि कुछ पैसा रिजर्व करके रख लेता है। जैसे कि मान लो बैंक में 100 रुपए जमा हुए हैं, तो 100 में से 15 रुपए तो निकाल के रख दिए कि भाई अगर कोई पैसा निकालने आ जाए, विड्रॉ करने आ जाए, तो इस 15 में से दे देंगे। उन्हें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से पता होता है कि लगभग कितने पैसा निकालने आते हैं एक दिन में। बाकी के जो 85 रुपए बच गए, 85, उसको क्या कर देंगे, उसको लोन के रूप में दे देंगे। किसे, जो नीडी पीपल है, जिन्हें पैसे की जरूरत है। अब फ्री में तो देंगे नहीं, क्या करेंगे, उसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनसे ब्याज लेंगे। जब पैसा जमा होता है बैंक में तो बैंक ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, लेकिन जब लोगों को लोन देता है तो उसके बदले में इंटरेस्ट लेता है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देता है ये जनरली कम होता है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो चार्ज करते हैं। कि मान लो अगर 10% वो प्रोवाइड करवा रहे हैं तो 15% वो लोगों से लेंगे। तो जो 5% का अंतर है यही बैंक की मेन कमाई है। अब इस डिफरेंस को कहा जाता है स्प्रेड, SPREAD। 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ ले स्प्रेड क्या होता है, तो स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रही है जैसे 15%, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है 10%, इनके बीच का जो अंतर है 5%, इसे बोलते हैं स्प्रेड। और बैंक की सबसे मेन कमाई यही होती है। सो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेड, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम किसका, बैंक का, क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। ठीक है, यही चीज यहाँ पे दी हुई है कि बैंक मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट। बैंक क्या करता है, मीडिएट का तौर पे काम करता है, दोज हु हैव सरप्लस फंड यानी डिपॉजिटर्स। 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये भी पूछा सकता है कि हु आर डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स आर द पर्सन हु हैव सरप्लस फंड एंड दे डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक। हु आर बोरोवर्स, बोरोवर्स आर दोज पर्सन्स हु आर इन नीड ऑफ द फंड एंड टेक लोन फ्रॉम द बैंक। तो इन दोनों के बीच में मीडिएट का काम करता है, मीडियम का काम करता है। बैंक चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। जो डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं वो कम होता है, जो चार्ज करते हैं वो ज्यादा होता है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है
वही बैंक की मेन कमाई है, और इसको क्या कहा जाता है, इसे बैंक स्प्रेड के नाम से जाना जाता है। फिलहाल आप याद रखिए बैंक स्प्रेड का नाम, जब आप ट्वेल्थ में आएंगे तो इसका दूसरा नाम पढ़ेंगे, दूसरा नाम इसका होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। वो टेक्निकल वर्ड है, आप बस अभी स्प्रेड देखिए। आपसे पूछा जा सकता है सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेड। ये पिक्चर पूरी की पूरी इसी चीज को शो कर रही है कि डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में बैंक मीडिएट का काम कर रहा है। ठीक है, बैंक डिपॉजिट लेता है और लोगों को पैसा देता है लोन के रूप में। मतलब जो हमने प्रोसेस डिस्कस किया वही प्रोसेस यहां पे बताया गया। फिर एक आपका अगला टॉपिक आता है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। ये हम डिटेल में तो कल पढ़ेंगे, मैं आपको क्रेडिट का मतलब बता देता हूं। क्रेडिट का मतलब होता है लोन, बोरिंग्स, जो पैसा उधार लेते हैं उसी को क्रेडिट कहा जाता है, उसी को क्रेडिट कहा जाता है। सो क्वेश्चन, अब आपका अगला टॉपिक ये आएगा कि हमने देखा है कि बैंक का एक मेन काम क्या है, लोन प्रोवाइड करवाना, लेकिन लोग जो लोन होता है वो और भी कई जगह से लेते हैं, जरूरी नहीं है बैंक से ही लेते हैं। सो लोन जो है क्या हमेशा बेनिफिशियल होता है लोगों के लिए या नुकसानदायक भी हो सकता है, किस किस प्रकार से लोन लिया जा सकता है, ये सिचुएशंस हम कल की क्लास में देखेंगे। आज डेफिनेशन देखते हैं। क्रेडिट या लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। क्रेडिट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लेंडर, लेंडर का मतलब होता है लोन देने वाला, वो बोरोवर जिसे जरूरत है उसे सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है, या तो पैसा देता है उधार पे, या गुड्स उधार पे देता है, या सर्विस उधार पे देता है। किसके बदले में, उससे प्रॉमिस लेता है कि भाई जो मैं अभी उधार पे सामान दे रहा हूँ, गुड्स दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ या पैसे दे रहा हूँ, उसकी पेमेंट मुझे फ्यूचर में कर दोगे। तो ये क्रेडिट की डेफिनेशन है। अब क्रेडिट की दो सिचुएशंस दी हुई है एग्जाम्पल के साथ, ये कल देखेंगे और इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप आज का जो टॉपिक है, आज की क्लास का टॉपिक हमारा इतना ही है।